भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने गोरखनाथ मंदिर स्थित गुरु गोरखनाथ महाराज का पूजा अर्चना किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पहुंचकर दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन के द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री को अंग वस्त्र तथा प्रसाद देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विजयवर्गीय बीजेपी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। उसके बाद ही विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी स्पष्ट बहुमत में आई। जून 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। हरियाणा में उनके प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल में वे पार्टी के नए प्रभारी बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें अपने नाम की, जिससे पार्टी के अंदर कैलाश विजयवर्गीय का कद बढ़ गया है, जिसको देखते हुए पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया था।